हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए टीका उत्सव नाम से एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 11 से 14 अप्रैल तक सभी पीएचसी एवं सब सेंटरों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसी के चलते इंद्री के सरकारी अस्पताल में इस टीका उत्सव का शुरुआत नगर पालिका चेयरपर्सन शिवानी गोयल द्वारा रिबन काट कर किया गया। बता दें कि यह टीका उत्सव इंद्री के सरकारी अस्पताल में एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल की देखरेख में चलाया जा रहा है। वहीं चेयरपर्सन शिवानी गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस नियम की पालना करनी चाहिए। उधर एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। टीका उत्सव के माध्यम से 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इसके लिए वे बताना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी वैक्सीन लगवाई है उनको इसका ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जानकारी देते हुए बताया कि एसएमओ ने कि कोरोना वायरस मुंह नाक और आंखों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन जिसने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उसको यह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनके अंदर की एंटीबॉडीज मजबूत होती हैं। एसएमओ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी अफवाह में ना आकर बिना किसी डर के कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सरोज ने बताया कि टीका उत्सव के दौरान छुट्टी के दिनों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी और यह पूरी तरह से फ्री लगाई जा रही है। आज हमारा जैसे सारे देश के अंदर हम ये टीका दिवस मना रहे हैं, तो उस टीका दिवस को मनाने के लिए हमने आज हमारी चेयरमैन मैडम शिवानी गोयल को बुला के इस टीका दिवस का उद्घाटन करवाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो 45 प्लस हैं वो मोटिवेट होकर टीकाकरण करवाएं। और इस ड्राइव के अंदर पहले भी हमारी मैडम ने बहुत मदद की है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी मदद करते रहें, ताकि हम अपना जो लक्ष्य है 45 प्लस का जल्दी से जल्दी इंद्री का कवर कर सकें और सबको सुरक्षित कर सकें। तो क्या लक्ष्य रखा गया है प्रतिदिन? हमारा लक्ष्य प्रतिदिन, तो अगर हमारे पास 200 से ज़्यादा 300 400 टीके आएंगे, हमारे पास अभी कोरोना की वैक्सीन पूरी उपलब्ध है, कोवैक्सीन जो हमारे पास है। लक्ष्य हमारा ये है कि सारे 45 प्लस जो हमारे इंद्री क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो अपनी वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। और कहीं भी लगाई जा रही है? हाँ जी, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे हमारा यहाँ पे रंबा है, खुकनी है, बादसों है, बयाना है, कुंजपुरा हमारी सीएचसी पर, और मधुबन प्लस काछवा, ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, और इसके अलावा भी जो हमारे छोटे सब सेंटर हैं, जो इसके गांव के अंदर सब सेंटर हैं, उन पर भी हमारा टीकाकरण का अभियान चल रहा है। और ये खास बात है कि इन 11 से 14 के अंदर आज संडे के दिन भी और 14 तारीख को जो बुधवार है वो भी एक गेस्टेड हॉलीडे है, परंतु दोनों दिन हमारी इम्यूनाइजेशन सभी हमारे सेंटर्स पर चलती रहेगी। तो कोरोना फिर से इतनी तेज गति से फैल रहा है, इसके क्या कारण है? कारण तो हम सबको पता ही है कि हम सब अब थोड़ा सा कोरोना के प्रति थोड़ा लापरवाह हो गए हैं, थोड़े प्रिकॉशन हमने कम लेने शुरू कर दिए हैं, हमने मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो सरकार ने नियम बना रखे हैं, उसको हम कम फॉलो करते हैं। बहुत जगह पब्लिक गैदरिंग्स जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है वो भी हो रही हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना इस समय पूरे प्रदेश में फैल रहा है। परंतु इसको रोकने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, और जितनों को सरकार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो इम्यूनाइज हो जाएं, वो ज़रूर अपनी इम्यूनाइजेशन करवा लें। अच्छा सर, ये टीकाकरण होने के बाद भी दो डोज जिसने ले ली वो पॉजिटिव आ जाता है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि टीकाकरण से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, परंतु वायरस ने हमारे नाक के अंदर, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, आंख के रास्ते से हमारे शरीर में एंटर करना होता है, तो उसको रोकने के लिए तो मास्क ही हमें लगाना पड़ेगा। परंतु अच्छी बात यह है कि जिसका भी टीकाकरण होता है उसके जैसे ही अंदर वायरस जाता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, तो एंटीबॉडीज़ इमिजिएटली उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने लग जाती हैं, और जो गंभीर परिणाम है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कि लॉन्ग टर्म किसी को मोबिलिटी, यानी किसी को सांस की दिक्कत, जोड़ों की दिक्कत और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो पहले हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, और जो सबसे बड़ा खतरा इससे मृत्यु का है वो भी काफ़ी हद तक इससे टल जाएगा।
क्या अपील करना चाहिए? अपील मेरा सभी आपके दर्शकों से है कि हम हमारे देखो हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सभी अपील कर रहे हैं, और बहुत सारे इन जितने भी हमारे 45 प्लस लीडर्स थे सबकी इम्यूनाइजेशन हो चुकी है, हम सब हेल्थ वर्कर्स की फ्रंटलाइन वर्कर्स की दोनों डोज लग चुकी है, वैक्सीन एकदम सेफ है, और वैक्सीन के अलावा हमारे पास इस बीमारी से लड़ने का बचने का और कोई पक्का उपाय नहीं। इंद्री शहरवासियों से यही अपील करूंगी कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया यह टीका उत्सव बहुत बढ़िया है, और आप सभी को कोरोना से राहत के लिए टीका इम्यूनाइजेशन जरूर वैक्सीनेशन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने सब कुछ क्लियर किया ही है कि ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करेंगे जो वैक्सीनेशन है, जिससे जो सिवियरिटी है कोरोना की वो कम होगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क का प्रयोग कीजिए ताकि इन्फेक्शन हो ही ना, और अगर होता है तो आप वैक्सीनेशन पहले ही लगा के रखें ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले ही प्रिपेयर हों और आप कोरोना से लड़ सकें और सिवियरिटी मोस्ट मतलब डेथ रेट कम हो सके। यही अपील करूँगी कि 45 प्लस जो भी है प्लीज़ जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा दी गई इस सेवा का लाभ उठाइए और इम्यूनाइजेशन कीजिए। प्लीज़ आपके शहर इंद्री में ये अवेलेबल है तो जल्दी से जल्दी आइए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि लेट करेंगे तो वैक्सीनेशन की डोज अगर नहीं कम रही तो फिर दिक्कत रहेगी, तो प्लीज़ जल्दी आइए और जल्दी पाइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सरोज, डिप्टी सिविल सर्जन करनाल। तो जैसे कि डॉक्टर संदीप और मैडम ने सब कुछ बता ही दिया आपको, तो मैं एक और लिए क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो वैक्सीन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो सभी से आपके माध्यम से अपील है कि जितने भी 45 प्लस हैं वो सभी अपनी वैक्सीनेशन कराएँ और कोरोना से सुरक्षित रहें। अच्छा मैम, जिले में ये सभी जगह पर इस तरह का अभियान चलाया गया है? हाँ जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा चल रहा है, 4 दिन का स्पेशल है हमारा ये टीका उत्सव के नाम से, 11 से 14। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।